मुझे मरना है। शायद आपके भी मन में ये ख्याल कभी ना कभी आया होगा, और अगर हाँ तो वीडियो में बने रहिए, ये सोचना भूल जाओगे। यह कहानी है एक लड़के की जो बचपन से ही सबसे बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था। इतना पैसा कमाना चाहता था कि उसके जितना पैसा किसी के पास ना हो। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और साथ ही बहुत पैसा कमाने लग गया। उसने बड़े से बड़े बिजनेस किए जिसमें उसे बहुत सारे प्रॉफिट हुए, और एक दिन अपनी मेहनत से उसने इतना पैसा कमा लिया कि वो सबसे बड़ा आदमी बन गया। वो बहुत ज़्यादा खुश था, उसके चर्चे होने लगे थे। पर वो कहते हैं ना, बड़ा उतना ही बनो जिससे ज़मीन साफ दिखाई दे और पैर ज़मीन पर ही हो। एक समय ऐसा आया कि उसको सारे बिजनेस में लॉस होने लगे और देखते ही देखते वो पूरी तरह से कर्ज में डूब गया। सब कुछ बेचने के बाद भी वो पूरा कर्ज चुका नहीं पाया। रोज़ कोई ना कोई उसके पास आते कर्ज वापस लेने के लिए, और रोज़ लोग उसे सुना के चले जाते, जिस कारण वो बहुत परेशान हो गया था। उसने सोच लिया कि ऐसी ज़िंदगी से तो मरना ही ठीक है, क्योंकि जब तक जीऊँगा लोग मुझसे पैसे मांगते रहेंगे और मैं दे भी नहीं पाऊँगा। अब वो मरने के लिए एक बड़ी सी नदी के पास जाता है। वहाँ पहुँच कर रोने लगता है। तभी उसको एक आदमी मिलता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। वो गुस्से से बोलता है, मुझे मरना है, तुम अपना काम करो, मैं अपना देख लूँगा। पर फिर भी वो आदमी दोबारा पूछता है कि आखिर बताओ तो सही, हुआ क्या है। वो गुस्से से बोलता है, अगर मैंने बता भी दिया तो तुम क्या कर लोगे। और ज़ोर से बोलता है, मुझे 50 लाख चाहिए, क्या तुम दे सकते हो। वो आदमी तुरंत 50 लाख का चेक भरकर उसको दे देता है। लड़का समझ नहीं पाता है कि क्या सच में उसने मुझे 50 लाख का चेक दे दिया। वो पूछता है, आप कौन हो। वो कहता है, मैं यहाँ का सबसे अमीर आदमी हूँ। लड़का उस आदमी को बहुत सारा धन्यवाद देता है और कहता है, ठीक इसी जगह आपको 1 साल बाद मैं ये 50 लाख वापस कर दूंगा। फिर लड़का घर पहुँचता है और सोचता है कि जो आदमी मुझे जानता तक नहीं है, उसने मुझ पर भरोसा करके 50 लाख का चेक दे दिया, तो मुझे खुद पर कितना भरोसा होना चाहिए। फिर वो फैसला लेता है कि वो चेक यूज़ नहीं करेगा और अपने दम पर फिर से बिजनेस को खड़ा करेगा। और फिर वो बहुत मेहनत करता है और एक दिन फिर से वो सबसे बड़ा आदमी बन जाता है। पर इस बार वो बहुत कुछ सीखने के बाद बड़ा आदमी बनता है। 1 साल बाद वो उसी जगह वापस जाता है 50 लाख के चेक को लेकर उस आदमी को वापस करने के लिए। वो इंतज़ार करने लगता है। वो बताने के लिए इतना एक्साइटेड रहता है कि उसने चेक यूज़ किए बिना ही फिर से सब कुछ हासिल कर लिया है। बहुत देर बाद वो आदमी आते हुए दिखाई देता है, पर उसके पास पहुंचने से पहले ही उसको कुछ लोग पकड़कर एम्बुलेंस में डाल देते हैं। लड़का समझ नहीं पाता है। लड़का जाकर बोलता है कि यहाँ के सबसे बड़े आदमी को क्यों उठा रहे हो। वो कहते हैं, ये बड़ा आदमी नहीं है, ये तो एक पागल है जो सबको चेक भर के देते रहता है, क्या तुमको भी इसने चेक दिया है। वो कहता है, हाँ। लड़का अंदर ही अंदर सोचते रहता है। उसके अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसको वो बयां नहीं कर सकता था। उसके आंखों से आंसू निकल आए। उसको समझ आ गया था कि खुद पर भरोसा करने पर कितनी ताकत होती है। और आपको भी समझ आ गया होगा कि इस कहानी से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर भरोसा करो, फिर देखना एक दिन दुनिया जीत सकते हो।